अयोध्या तनाजे के बीच मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया अर्जी। मुतनाजे जमीन के अलावा दीगर जमीन राम जन्म भूमि न्यास को देने का किया मुतालबा। गैर मुतनाजे जमीन पर राम मंदिर तामीरी काम शुरू करने मरकजी हुकूमत की जानिब से जाहिर की जा रही है मंशा। 0.313 पर ही तनाजे का किया जा रहा है दावा। अयोध्या तनाजे में मरकजी हुकूमत की जानिब से अर्जी दाखिल करने पर नाराज है निर्मोया अखाड़ा। बोले महंत दिनेंद्र दास सिर्फ मुद्दई मामले में दाखिल कर सकते हैं अर्जी। अयोध्या तनाजे में राष्ट्र मरकज की मुदाखलत पर अकलियतों ने जाहिर की तशवीश। सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत की जानिब से अर्जी दाखिल करने पर बाबरी मस्जिद मामले के वकील जफरयाब जिलानी ने जताया शक। हुकूमत की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का दिया इंतबाह। इसको हम अपोज करेंगे इन एप्लीकेशन को कि ये मेलाफ आई डी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली से मेंटेनेबल नहीं है और ये हमारी ज़मीन जो कब्रिस्तान की है वो उसको नहीं दिया जा सकता है। वो ज़मीन कौन सी है उसके बारे में देखा जाए कि उसका टाइटल क्या है। उन साधु संतों को कुछ सेटिस्फाई करने के लिए ताकि कुछ वो 1 फरवरी को जो पास करने जा रहे हैं कुछ ना पास करें या कुछ लूजली पास करें बाहर ये वो अटैम्प्ट है। बाबरी मस्जिद के मुद्दे इकबाल अंसारी ने भी मोदी हुकूमत के फैसले पर जाहिर किया रद्द अमल का। गैर मुतनाज़े ज़मीन देने पर नहीं होगा कोई एतराज। लोकसभा इंतखाबात से कबल राहुल गांधी ने खेला बड़ा दाव। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुनाकिदा किसान आभार सम्मेलन में बोले राहुल इख्तदार हासिल होने पर मुल्क के हर गरीब को कम से कम आमदनी का जरिया मुहैया कराने का किया वादा। हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। उज्जैन में पेश आया भयानक सड़क हादसा। 2 कारों में हुआ जबरदस्त तसादुम। एक ही खानदान के 12 अफराद की वीर दर्दनाक मौत। खानदान में मचा मातम। शादी तकरीब से लौटने के दौरान पेश आया हादसा। दूसरी कार में एयरबैग खुलने से नहीं हुआ कोई बड़ा जानी नुकसान। हिंदुस्तान के साबिक मरकजी वजीर दिफा जॉर्ज फर्नांडिस का हुआ आज इंतकाल। 88 बरस के थे फर्नांडिस। तवील अरसे से बीमारी के सबब आवाम से कट गया था मौसूफ का राबता। कर्नाटक के मंगलुरु से है मौसूफ का ताल्लुक। पीएम मोदी समेत सियासी रहनुमाओं ने गहरे रंज और दुख का किया इजहार। बेंगलुरु से ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर डोमिनिक मैक एलिस्टर ने भटकल में तालीमी इदारों का किया दौरा। अली पब्लिक स्कूल जामिया इस्लामिया समेत अंजुमन आमे मुस्लिमीन का किया नजारा। तालीमी मैयार को बेहतर बनाने यूनाइटेड किंगडम से हर मुमकिन ताउन पेश करने की कराई यकीन दहानी। भटकल दौरे पर डोमिनिक मैक एलिस्टर ने मीडिया के सामने अपने तासुरात को किया पेश। बोले मौसूफ दुनिया भर में फैलाई जा रही है भटकल से मुतालिक गलत फहमियों का हुआ इजाला। भटकल की सही तस्वीर दुनिया के सामने पेश करने जिम्मेदारान को दी हिदायत। Bhatkal has got an image kind of in the wider world as being division and where people aren't communicating with each other. And one of my kind of purposes of coming to Bhatkal this time is to learn a little bit about more, to kind of talk to the community here and find out kind of what the reality is really like. And the reality is completely different to what is kind of broadcast kind of elsewhere. And I think all of you, as the community, as leaders of the community, we need to kind of reach out and tell the world that Bhatkal is a different place. It is a progressive place. There is a lot of opportunity here for people to grow and start careers. जामिया इस्लामिया भटकल में सकाफती तंजीम अल लजनतुल अरबिया के ज़ेर एहतमाम कल 30 और 31 जनवरी को मुनाकिद होंगे 2 रोज़ा तहजीबी और सकाफती प्रोग्राम। जुनूबी हिंद के दीनी वासी तालीमी इदारों के तलबा के माबैन हिफ्ज़ और नाज़िरा कुरान के साथ क्विज़ और दिलचस्प होंगे मुकाबले। कुरान साइंस और तिब्ब नबवी के मुफरदात और मुरक्कबात की भी होगी नुमाइश। दुबई के करीब आजमान में मुनाकिदा नवाइत प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में डीवीएस यूनाइटेड ने हासिल की शानदार जीत। फाइनल मुकाबले में अल करीमी चैलेंजर्स को शिकस्त देकर खिताब को किया अपने नाम।